नमस्कार और मेरी प्रॉपर्टी मेरे विकल्प में स्वागत है। आज का हमारा प्रॉपर्टी विकल्प उन लोगों के लिए है जो नोएडा में 3 BHK 1,40,00,000 से लेके 1,80,00,000 तक देख रहे हैं, साथ ही में वेट 2 साल का कर सकते हैं और एक ऐसी सोसाइटी में ढूंढ रहे हैं जहां पे केवल 3 BHK ही हो और वहां पे अपने जैसे ही लोग आसपास में मिल जाएं। अगर आपकी भी रिक्वायरमेंट ऐसे ही कुछ मिलती जुलती है तो शायद हमारा ये प्रोजेक्ट आप ही के लिए है। पर वीडियो शुरू करने से पहले नोएडा की कि सोसाइटी में ऐसा क्या है कि जो मुझे इसमें नहीं मिलेगा पर मुझे ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए, तो चलिए जानते हैं क्या है वो। एसोटेक विंडसर को नोएडा की सेक्टर 78 की प्राइम लोकेशन में एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की सोसाइटी है। प्रोजेक्ट आज के टाइम में सोल्ड आउट है और वहीं पे रीसेल में भी कुछ खास इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं होती है, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को ये प्रोजेक्ट सूट नहीं कर सकता है। वहीं पे प्रॉपर्टी का ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शन उन लोगों को जो 3 BHK इस एरिया के नजदीक में और यहाँ से कम कीमत में देख रहे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो चलिए जानते हैं कि निराला की इस सोसाइटी में ऐसा क्या है जो कि इस प्राइस रेंज में इसे एक बेस्ट 3 BHK का ऑप्शन बना देती है। यह प्रोजेक्ट को आप कहां पर देख सकते हैं? इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए पाएंगे प्रॉपर्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपार्टमेंट्स कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में ग्रेटर नोएडा वेस्ट लोकेलिटी पे क्लिक करने पे इस एरिया के सारे प्रोजेक्ट दिख जाएंगे। किसी भी प्रोजेक्ट को देखने के लिए वीडियो आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो उस प्रोजेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वहीं पे लेआउट पे क्लिक करने पे प्रोजेक्ट के लेआउट्स और वहीं पे प्राइस लिस्ट और पेमेंट प्लान भी मिल जाएगा। ऑफर्स पे क्लिक करने पे तो प्रोजेक्ट में कोई ऑफर्स है वो दिख जाएंगे और प्राइसिंग आइकॉन पे क्लिक करने पे प्रोजेक्ट में साइजेस और एप्रोक्सीमेट प्राइस रेंज मिल जाएगी और अगर कोई इश्यूज है वो भी वहां पे दिख जाएंगे। उसके बाद अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं सिंपल कॉन्टैक्ट बटन पे चैट और वीडियो कॉल के थ्रू हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे बिल्डर सहयोगी आपको अलाइन हो जाते हैं जो आपकी विजिट और वहीं पे क्लोजर में मदद करते हैं और बाइंग या प्रॉपर्टी के साथ में पा सकते हैं कुछ स्पेशल डील्स और ऑफर्स। निराला ट्रायो सेंट्रल नोएडा के बेहद ही करीब और सेक्टर 76 से डायरेक्ट कनेक्टिविटी और वहीं पे सेक्टर 79 के पीछे FNG रोड को क्रॉस करके सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है और सेक्टर 1 तो ऑलरेडी नोएडा एक्सटेंशन का सबसे पॉशेस्ट और डेवलप्ड सेक्टर है। निराला ट्रायो मेन रोड पे बना हुआ है और साथ ही में 2 साइड से कनेक्टिविटी पाता है, चाहे गौर चौक से और वहीं पे सेक्टर 1 के द्वारा नोएडा से। पर रोड पे तो है ही, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहे सुबह हो या शाम घर के बाहर ही मिल जाता है और वहीं पे स्कूल मार्केट और हॉस्पिटल भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। सेक्टर 2 का एरिया एक लो डेंसिटी का एरिया है और साथ ही में इस एरिया में ग्रीनरी भी काफी देखने को मिलती है। सोसाइटी में केवल 3 BHK के ही यूनिट्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रहने वाले एक ही लेवल या जेंटरी के होंगे। सोसाइटी केवल 3 टावर की है और वहीं पे 3 टावर एक ही लाइन में है, जिसकी वजह से सभी फ्लैट्स को या तो रोड का या तो पार्क का व्यू देखने को मिलेगा, जो बनने के बाद में कुछ ऐसा दिखेगा। प्रोजेक्ट माई वन कंस्ट्रक्शन से ही बनाया जा रहा है और वहीं पे केवल 3 ही टावर होने की वजह से प्रोजेक्ट जल्द ही डिलीवर हो जाएगा। प्रोजेक्ट में सभी एमिनिटीज वो भी एक लग्जूरियस तरीके से बनाई जाएंगी, जिनमें स्विमिंग पूल, प्रीमियम क्लब, किड्स पूल, ओपन एयर थिएटर, लॉन्स, जॉगिंग ट्रैक्स, स्केटिंग रिंग, इंडोर और आउटडोर गेम्स, लाविश एंट्रेंस लॉबीज जैसी सभी सुविधाएं भी मिलेंगी। सोसाइटी मेन रोड पे है, जिसकी वजह से यहाँ पे रहने वाले लोग जैसे ही सोसाइटी के बाहर निकले उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट 24 घंटे उपलब्ध हो जाएगा। ये एरिया ऑलरेडी डेवलप्ड है, जहाँ पे नजदीक में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल और वहीं पे हॉस्पिटल बने हुए हैं और मॉल्स और मार्केट्स तो काफी सारे हैं। ओवरऑल समराइज करें तो सोसाइटी जिसमें केवल 3 BHK के यूनिट्स हैं, जहाँ पे सेम लेवल के लोग होंगे और वहीं पे जल्द डिलीवर भी हो जाएगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा से 2 रोडों के थ्रू कनेक्टिविटी, स्कूल हॉस्पिटल्स बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, मेन रोड की वजह से 24 घंटे कनेक्टिविटी और साथ ही में ओपन फ्लैट्स, ये इसे एंड यूज के लिए एक अच्छा ऑप्शन तो बना ही देते हैं। पर वहीं पे इन्वेस्टमेंट और वहीं पे अप्रिसिएशन के हिसाब से नोएडा के बाकी एरियाज के मुकाबले इसे एक बेहतरीन ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है।